खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पुलवामा हमले के बाद अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। अब पाकिस्तान प्यासा मरने के लिए तैयार है, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने का फैसला किया है। इसी के साथ ही इस पानी को जम्मू और कश्मीर और पंजाब की तरफ मोड़ने का फैसला भी केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने का फैसला किया है। हम पूर्वी नदियों के पानी का रुख जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरफ मोड़ेंगे। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। नितिन गडकरी ने दूसरे ट्वीट में कहा कि शाहपुर कंडी में रावी नदी पर बांध बनाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं यूजीएच प्रोजेक्ट हमारे हिस्से के पानी को जम्मू कश्मीर के लिए संग्रहित करेगा और शेष पानी दूसरे रावी व्यास लिंक के जरिए बहते हुए दूसरे बेसिन राज्यों को मिलेगा। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान को 3-3 नदियों के पानी के इस्तेमाल की अनुमति मिली थी। इस समझौते के बावजूद भारत के कोटे में आई 3 नदियों का पानी अब तक पाकिस्तान में प्रवाहित हो रहा था। अब इन 3 नदियों पर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कराया गया है, जिनकी मदद से इन नदियों का पानी पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार ये काम शुरू हो जाएगा तो इससे यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि भी हो सकेगी। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।